15 दिसंबर 1999 वेनेजुएला के पहाड़ियों में बसे वर्गास राज्य में एक साधारण दिन था। तभी वहां पर रहने वाले लोगों ने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल रही है। लोगों ने इसे साधारण भूकंप सोचा और बाहर खुले में जाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि पैरों के नीचे आखिर चल क्या रहा है। कुछ ही समय बाद यहाँ की पूरी जमीन तेजी से हिलने लगी और देखते ही देखते पूरी पहाड़ी बिखरते चली गई और अगले ही पल वर्गास राज्य के ऊपर मौजूद हजारों घर और उनमें रहने वाले लोग कई मीटर मोटी मिट्टी और कीचड़ की चादर के नीचे दब गए, जिसने करीब 30,000 लोगों को जिंदा दफन कर दिया। दोस्तों, इसके अलावा अमेरिका में 1998 में मिच नाम का एक बड़ा तूफान आया था, जिसने करीब 11,000 लोगों की जान ली थी और साल 2010 से 2011 में अफ्रीका में एक बहुत बड़ा सूखा देखने को मिला, जिसके चलते फसलें बर्बाद हो गई और लगभग 12 मिलियन लोगों को भूख से तड़पना पड़ा। यूं तो दुनिया में भूस्खलन, बाढ़ और सूखा जैसी आपदाओं को लोग भगवान का प्रकोप मानते हैं दोस्तों, लेकिन क्या हो अगर इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही कारण है और वो भी साइंटिफिक। एक ऐसी पहेली जिसे सॉल्व करने के लिए कई वैज्ञानिकों ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, ताकि भविष्य में इंसान आने वाली इन भयानक तबाही की भविष्यवाणी कर सके। और चौंकाने वाली भविष्यवाणी यही कहती है कि अभी हम इस तरह की एक और भयानक दिल दहला देने वाली तबाही के कगार पर खड़े हैं। दोस्तों, ये तूफान कब आने वाला है? क्या है ये तूफान? क्या ये तूफान भारत के अलावा दूसरे देश में भी आएगा? और ये भारत में ये तूफान कब आएगा और आने वाले इस तूफान का नाम क्या है? ये तूफान किस दिशा से आ रहा है? क्या अच्युतानंद दास की मलिका में इसका जिक्र है? इस तूफान को लेकर क्या कहती है संत अच्युतानंद दास की भविष्य मलिका? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब हम सनातनी टेल्स चैनल की इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखिए। चलिए जानते हैं आज के सभी सवालों के जवाब। दोस्तों, ये है प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशियन और पृथ्वी पर अलग अलग समय पर आने वाली इन सभी आपदाओं तबाहियों के पीछे का राज पृथ्वी के इसी सबसे बड़े समुद्र में छिपा है, जिसके बारे में जानने से पहले हमें इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1895, यह है भारत जहां तबाही मची हुई है। लोग भूख से तड़प रहे हैं, जाने जा रही है, क्योंकि कई सालों से लगातार सूखा पड़ने के चलते भारत एक भारी अकाल से गुजर रहा था। पर भारत में बैठे ब्रिटिश सरकार लोगों को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रही थी। भारत से कई किलोमीटर दूर लंदन में बैठा एक इंसान भारत में आई इस आपदाओं को देख रहा था। ये थे गिलबर्ट वॉकर, जिनका मन भारत के लोगों के लिए बहुत दुखी था। उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि से ये देखा था कि भारत में इस तरह की आपदाएं बार बार आती रहती है। पेशे से मैथमेटिशियन होने के चलते वॉकर को इन सभी आपदाओं में एक पैटर्न दिखाई दिया, जिसको अगर वे सॉल्व कर लेते तो उससे वे लाखों भारतीय और दुनिया में अलग अलग देशों में आने वाली आपदाओं से जान गंवाने वाले करोड़ों लोगों को बचा सकते थे। और इसी सपने को लिए वे साल 1903 में भारत आ गए। यहाँ बैठी ब्रिटिश सरकार उनके काम से इतनी प्रभावित हुई कि उन्हें एक ही साल में 1904 में भारत के मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डायरेक्टर जनरल बना दिया गया। इसके बाद वॉकर ने दुनिया के अलग अलग देशों में होने वाली आपदाओं जैसे कि सूखा, बाढ़, भूस्खलन, तूफान और मौसम में होने वाले दूसरे बदलाव जैसे वायुदाब, तापमान, नमी, इन सभी का करीब 20 सालों का डेटा इकट्ठा किया, जहां उन्हें कुछ पैटर्न दिखाई दिए। उन्होंने देखा कि जब ये पैसिफिक ओशियन से पूर्व की ओर मौजूद महाद्वीप जैसे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में भारी बारिश होती है, तब पैसिफिक ओशियन के पूर्व में यानी कि एशिया और उसके आसपास मौजूद महाद्वीप जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है और भीषण गर्मी दिखाई देती है, जबकि दूसरे देश में भारी बारिश होती है। इन सभी चीज़ों ने गिलबर्ट को काफ़ी चौंका दिया।
जिस स्टडी को उन्होंने पब्लिश किया और पैटर्न को साउथ ऑसिलेशन नाम दिया गया। इसका पृथ्वी के भूगोल पर इफेक्ट साफ साफ देखा जा सकता था। इसके पीछे का कारण क्या है, इसको सॉल्व करना अभी भी बाकी था। वॉकर इस मिस्ट्री को सॉल्व करने ही वाले थे कि साल 1958 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने उनकी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने और तबाही भरी इन घटनाओं के पीछे मौजूद साइंटिफिक रीजन को जानने की कोशिश की। लेकिन इसमें सफलता मिली स्वीडन के एक मीटरोलॉजिस्ट जेकब जगने को, जिन्होंने गिलबर्ट वॉकर द्वारा कलेक्टिव डेटा को जब स्टडी की तो फाइनली वे उस मिस्ट्री तक पहुंच गए जिसको ढूंढने में वॉकर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जिसके बाद जेकब को इन सभी आपदाओं के पीछे सिर्फ एक ही कारण मिला, जो पैसिफिक ओशियन से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, हमने वीडियो की शुरुआत में जो साल 1999 में वेनेजुएला की पहाड़ियों में बसे वर्गास राज्य में आने वाली तबाही की बात की थी, जिस तबाही भूस्खलन में 30,000 लोगों की जान गई थी, उसके पीछे का कारण था ला नीना। दोस्तों, पाकिस्तान में साल 2010 के दौरान इतिहास की कुछ सबसे बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें करीब करीब 2,000 लोगों की जान गई थी। वहीं पर ला नीना के चलते साल 2011 से 2017 के बीच अमेरिका के कई हिस्सों में भारी सूखा भी पड़ा था, जिससे लोगों की जिंदगी और देश को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। दोस्तों, साल 2010 से 2011 में ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में भी ला नीना के कारण भारी बाढ़ देखने को मिली थी, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के करीब 35 लोगों की जान गई थी और 10 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का नुकसान हुआ था। दोस्तों, अगर हम भारत पर आए तो साल 1998 के दौरान ला नीना के चलते भारत के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई थी, जिसमें करीब 2,500 लोगों की जान चली गई थी। लाखों लोगों के घर पानी में डूब गए और भारत की इकोनॉमी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इसके अलावा ला नीना के कारण साल 2010 से 2011 में भी भारत को भारी मानसून का सामना करना पड़ा, जिसमें भारी मात्राओं में फसल तो बर्बाद हो ही गई, साथ ही साथ कई भारतीय राज्य में बाढ़ की सिचुएशन देखने को मिली। स्पेशली असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में ला नीना के चलते करीब 200 लोगों की जान चली गई। दोस्तों, अब आप उस डर को महसूस कर पा रहे होंगे जो ये अपने साथ लाता है, परंतु दुर्भाग्य से यह प्रकृति का हिस्सा है जो करीब हर 3 से 5 साल में रिपीट होता है। और दोस्तों, ये डर दुनिया में दोबारा से फैल रहा है, क्योंकि वर्ल्ड मीटरोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन ने फिर से भारत के सभी महाद्वीप के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा है कि 70% चांसेस है कि साल 2024 के अंत तक ला नीना का प्रभाव भारत तक पहुंच जाएगा, जिससे भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश और बाढ़ से भारी तबाही होने का खतरा है। दोस्तों, संत श्री अच्युतानंद दास महाराज एक ऐसा नाम जिन्हें लोग उनके द्वारा की गई भविष्यवाणियों के लिए जानते हैं। उनकी भविष्यवाणियों को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने भविष्य को आज से कई साल पहले देख लिया था। वे भूत, भविष्य और वर्तमान में होने वाली घटनाओं को एक साथ देख सकते थे। उन्होंने अपने योग शक्ति के बल पर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है भविष्य मलिका, जिसमें लिखी गई सभी भविष्यवाणियां 100% सत्य हुई है। उन्होंने अपने भविष्य मलिका में बताया है कि दुनिया का अंत कैसा होगा। इनके अनुसार 2030 तक धरती पर ऐसी कई बड़ी घटनाएं होंगी जिनमें सूर्य के दर्शन भी नहीं होंगे। 7 दिनों तक लगातार अंधेरा छाया रहेगा। धरती पर कई भयानक घटनाएं घटेगी। धरती का तापमान तेजी से बढ़ेगा। इसके चलते जो भी मौसम होगा वो अति दिखाएगा। इसका मतलब गर्मी का मौसम होने पर अत्यधिक तापमान बढ़ेगा। वहीं सर्दी के मौसम में इतनी ठंड पड़ेगी कि हाथ पैर सुन्न तक पड़ जाएंगे। वहीं बरसात के दिनों में हवा, तूफान, बाढ़, चारों तरफ बस पानी ही पानी होगा, जिससे भयंकर तबाही होगी। दोस्तों, हमें आशा है कि भारत सरकार भी इस तबाही से भारत को बचाने के लिए सही कदम उठा रही होगी। दोस्तों, आने वाली तबाही से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना, और साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्णा और जय जगन्नाथ अवश्य लिखना। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।